सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप Realme 13 Pro Plus 5G में द साउंड सेटिंग डिसेबल कैसे करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देगा सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देगा ताकि आने वाली इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको सेटिंग में आना है। सो फ्रेंड्स, सेटिंग पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे आपको हैप्टिक एंड टूल्स पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शन मिल जाएगा टच साउंड्स का। सो फ्रेंड्स, ये हमारा टच साउंड सेटिंग। अगर आप इस सेटिंग को डिसेबल कर देंगे और फ्रेंड्स आप अपनी फोन की स्क्रीन पर टच करेंगे तो फ्रेंड्स आपको टच साउंड की आवाज़ नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स, मैं सेटिंग को डिसेबल कर देता हूँ। इस सेटिंग को डिसेबल करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं सेटिंग को डिसेबल कर देता हूँ। इस सेटिंग को डिसेबल करने के बाद आप अपनी फोन की स्क्रीन पर टच करेंगे तो फ्रेंड्स आपको टच साउंड की आवाज़ नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप टच साउंड सेटिंग को डिसेबल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी डन सेटिंग थी। इस वीडियो के लिए एक लाइक बनता है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।